हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओसिलेशन एंड वेव का लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्लास और दिस चैप्टर। और आज हमारा ये जो चैप्टर है, और ये बोलूं तो यूनिट गलत नहीं होगा, वो कंप्लीट हो जाएगी। सो जितने टॉपिक इस यूनिट के बचते थे, चैप्टर के रहते थे प्यारे बच्चों, वो मैंने आपके लिए बोर्ड के ऊपर लिखे हैं लेफ्ट साइड में, जैसा कि यूजुअली हम मोस्टली क्लासेस में लिखते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर वैसे तो दो टॉपिक आपको पोर्शन में डिलीट मिलेंगे, डिलीटेड पोर्शन में, नंबर वन डॉपलर इफेक्ट और एक आपका और कंडीशंस है वो वाली, लेकिन इनडायरेक्ट वे से वो आपके सिलेबस से नहीं कट है। तो मेनली डॉपलर जो इफेक्ट है उसको छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक है इस यूनिट से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने सारे डिस्कस किए बेटा, और मैंने वो सारे के वन बाय वन करके आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट टॉपिक से, और दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कि दो वेव या दो से ज्यादा वेव आपस में जब सुपर इम्पोज करती हैं, तो जो फिनोमिना होता है या हमें उनका प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है। तो सबसे स्टार्टिंग में आप देखें, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, सो उसमें आप पाएंगे कि व्हेन यू कैन ऐड टू और मोर देन टू वेव्स, मींस आप उनको सुपर इम्पोज करते हैं, सो जो उनका एम्पलीट्यूड होता है, सपोज वो आपका वाई है, वो क्या होता है, वो एल्जेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के सम के। सो सपोज ये फर्स्ट वेव है, उसका एम्पलीट्यूड वाई वन, वाई टू, सो ऑन अप टू वाई एन। अगर इसको किसी फंक्शन के फॉर्म में लिखे तो आपके बुक में आपको ये भी देखने को मिल सकता है एफ वन इंटू वी टी माइनस एक्स, मतलब ये इस चीज का आपके लिए फंक्शन है, वो उसको उस पर वो डिपेंड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये ऐसे भी लिखा जाता है। अब मैंने आपके लिए बोर्ड में इतना कुछ क्या लिखा है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव पल्स ट्रेवलिंग टुवर्ड ईच अदर। दो बिल्कुल एक जैसी वेव है, वो एक दूसरे की साइड में आ रही है, तो वो सुपर इम्पोज होंगी, तो क्या होगा, सपोज द टाइम जीरो सेकेंड है, तो वो आ रही है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, वन सेकेंड पे वो थोड़ा क्लोज आएंगी, टू सेकेंड पे वो थोड़ा सा ओवरलैप होंगी, थर्ड सेकेंड पे ओवरलैपिंग के बाद में उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो आपकी इधर जा रही थी, ये आपकी उधर, तो थर्ड पे आप देखिए, थर्ड सेकेंड पे वो आपस में अपने डायरेक्शन को क्या कर रही है, इंटरचेंज, और वो एक दूसरे को पास कर रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद। उसके बाद फोर्थ सेकेंड पे और फिफ्थ सेकेंड पे वो क्रॉस करके चली जाएंगी। लेकिन अगर मैं सेम के अंदर ये जो सारा सेम है, सेकेंड एक और केस लूं जिसमें आपकी जो वेव्स हैं वो अब की बारी अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे आ तो अपोजिट डायरेक्शन रही है, नो डाउट, अब यहां पे देखिए वो आइडेंटिकल थी, अपवर्ड थी, लेकिन अब की बार वो एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड इस शेप में अगर आके आपस में सुपर इम्पोज कर रही है, सो आप जीरो सेकेंड पे, फर्स्ट पे और सेकेंड पे आप देखें उनका जो इंटरफेरेंस हो रहा है, सुपर पोजिशन हो रहा है, वो आपका डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। आफ्टर देन वो दोबारा से अपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती हुई, जो एम्पलीट्यूड है इंडिविजुअल का सम होते हुए, वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। सो दोनों में आपने क्या डिफरेंस देखा, दोनों में आपने देखा कि जो वेव है वो सुपरइम्पोज तो हो रही है, लेकिन दोनों के सुपरपोजिशन में डिफरेंस है, एक में कंस्ट्रक्टिव है तो दूसरे में आपका क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। इसी बेसिस के ऊपर मैंने आपके लिए तीन कंक्लूजन लिखे हैं जो पूरे कंप्लीट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मींस इन्हीं टॉपिक के राउंड में आपका ये पूरा जो वेव चैप्टर का आज की क्लास का पार्ट है वो घूमेगा बेटा। जैसे क्या लिखा है मैंने, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव में लीड टू फॉलोइंग थ्री डिफरेंट इफेक्ट्स। तीन इफेक्ट होंगे आपके मेनली, एक इंटरफेरेंस, एक आपका स्टेशनरी वेव, और थर्ड वन योर बीट्स, राइट। अब ये कब होगा और इसके लिए क्या कंडीशन है, सो आपको मैं शॉर्टकट के लिए मैंने आपके लिए तीन वर्ड्स लिखे हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनना, सपोज अपने पास दो वेव है, ठीक है, दोनों वेव की स्पीड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इवन डायरेक्शन भी सेम है, और वो आपस में सुपर इम्पोज होती है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो एक इंटरफेरेंस होगा वेव्स का, राइट। सेकेंड सपोज सेम स्पीड है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, सो उस टाइम पे जो सुपर पोजिशन का रिजल्ट होगा वो एक स्टेशनरी या स्टैंडिंग में हम बोल सकते हैं ऐसी हमें वेव मिलेगी।
थर्ड वाले में थोड़ा ध्यान से देखना, थर्ड वाले में स्पीड सेम होगी वेव्स की, डायरेक्शन भी सेम होगी, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफर करेगी। अगर ऐसे वेव आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो एक बीट्स मिलेगी। मतलब हमें जैसे म्यूजिक में आपकी धमक होती है, बीट आपने सुना होगा म्यूजिक में, जो कि बार अपना जैसे ऑडियो वीडियो में जब दिखाते हैं तो ऑडियो में से ऊपर नीचे अप एंड डाउन आपका म्यूजिक जाता है ना, तो उसको आपका क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, ये तो था सारा अपने इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा और एमसीक्यू से रिलेटेड या आपके कई बार एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चन भी आते हैं, सो उनके लिए मैंने आपको थोड़े और कुछ लिखा है, आप ध्यान से देखें। दिस प्रिंसिपल मीन्स ये सुपर जो प्रिंसिपल सुपर पोजिशन जो प्रिंसिपल है इसकी बात हो रही है। दिस प्रिंसिपल holds not only for the mechanical waves but also for the electromagnetic waves. अब ये कौन सी वेव होती है? So electromagnetic waves आपकी light की स्पीड से चलती है, electric और magnetic field के मिलने से बनती है, ठीक है। ये जो है ये डिटेल में 12th क्लास में बेटा जी, तो इस पर आपको ज्यादा नहीं जाना, आपको सिर्फ 1 मार्क्स के लिए याद रखना है कि सुपर पोजिशन जो प्रिंसिपल है आपका वो मैकेनिकल वेव्स के ऊपर भी अप्लाई होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर भी अप्लाई होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपने शॉक वेव सुनी होगी, वो भी आपके जब सुपर इम्पोज होती है तो उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से फिर वो जो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है ना इसको ओबे नहीं कर पाती है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेशनरी वेव से, राइट। आज की क्लास का हर एक जो आपका टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पे लक पे डिपेंड करता है कि इनमें से कौन से वाले पार्ट पे आपका क्वेश्चन आएगा। लेकिन डैम श्योर है कि अगर सपोज ये आपकी पूरी कंप्लीट यूनिट 10 मार्क्स की आनी है, सो 10 मार्क्स में से 6 से लेके 7 मार्क्स का ये आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें से आएगा आपके एग्जाम में। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेशनरी वेव। सो स्टेशनरी वेव वाले टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक है जो हमें डिस्कस करने हैं? नंबर वन, सबसे पहले तो यही कि स्टेशनरी वेव है क्या। नंबर टू पे नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एक वेव स्टेशनरी वेव हो आपकी। नंबर थ्री पे टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव, ग्राफिकल ट्रीटमेंट नंबर थ्री पे, नंबर फोर पे एनालिटिकल ट्रीटमेंट, नंबर फिफ्थ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेशनरी वेव। तो वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन स्टेशनरी वेव, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब दो वेव आपकी जिनका सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, आपस में आके सुपर इम्पोज करती हैं, सो जो रिजल्टेंट वेव बनती है आपकी वो बनती है स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। इसके अंदर जब ये वेव बनेगी आपकी तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो परमानेंटली आपके रेस्ट पे होते हैं, उनको नोड बोलते हैं। जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो आपके एंटी नोड होते हैं। अब अगर बात करें नेसेसरी कंडीशन की तो उसमें आपके मेनली दो ही कंडीशन है। नंबर वन, कोई इंडिपेंडेंट वेव आपकी कभी भी स्टेशनरी वेव नहीं बन सकती। तो फिर कैसे बनेगी? सपोज एक प्रोग्रेसिव वेव है, वो आपकी ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में, तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो जो प्रोग्रेसिव और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो आपस में जब सुपर इम्पोज होती है तब आपकी स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बनती है। नंबर टू, जिस मीडियम में बनेगी उसके पास एक फाइनाइट बाउंड्रीज होनी चाहिए, उन बाउंड्रीज के बीच में ही ये वेव आपकी जनरेट होती है, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी टाइप की तो ये टू टाइप की होती है। टू टाइप की किस बेसिस पे? अगर आपकी दो ट्रांसवर्स वेव आपके सुपर इम्पोज हो तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपका लैब के अंदर सोनोमीटर का जो प्रैक्टिकल है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मिडलीज का एक एक्सपेरिमेंट है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही अगर दो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव सेम साइज की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम स्पीड की, बट इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज होती हैं, तो जो आपकी वेव बनेगी वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बनेगी। इसका एग्जाम्पल भी है आपका ऐसे ही 11th क्लास के फिजिक्स में जो रेजोनेंस ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है, आपके जो ओपन ऑर्गन पाइप्स हैं, क्लोज पाइप है, मीन्स आपके ऑर्गन पाइप वाला जो टॉपिक है आपका वो भी इसी के अंडर आता है। सो ये इसके दो मेन टाइप्स हैं। नेक्स्ट आपके ग्राफिकल ट्रीटमेंट, तो मैंने आपके लिए बोर्ड पे कुछ ड्रॉ किया है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो ये एज इट इज आपको बुक में मिलेगा बेटा, वहां से देख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज दो आपकी वेव है, पहले वाले का है जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम,
वो आपका वाई वन है, दूसरे वाली आपकी वाई टू है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ये आपकी इस साइड है तो ये आपकी इस साइड है. सपोज स्टेप टाइम 0 सेकंड है तो दोनों आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, राइट. ये दोनों सुपर इम्पोज होंगी, कंस्ट्रक्टिव आपको मिलेगा, राइट. नेक्स्ट जब टी बाई 4 सेकंड पे जब इनका डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होगा तो ये थोड़ी सी आपकी डिफर करेंगी, मीन्स अपने मीन पोजिशन पे वाइब्रेट करेंगी. उससे नेक्स्ट जब टाइम टी बाई 2 सेकंड होगा, सो जो आपका ये वाला केस था इसे जस्ट रिवर्स आपको मिलेगा देखने को सुपर पोजिशन. उसके बाद जब आपका टाइम टी बाई 4 सेकंड होगा, जब फर्दर डिस्प्लेस होंगी आपकी, तो अगेन जो आपका टी बाई 4 का था उसे जस्ट अपोजिट आपको मिलेगा, दोबारा से वो मीन पोजिशन पे आपकी वाइब्रेट करेंगी. और लास्ट में जब आपका कंप्लीट टाइम टी होगा तो उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका लैम्डा होगा, 5 जो डिफरेंस है, तो आपको जो मिलेगा वो एज इट इज आपको जो आपको टी 0 सेकंड पे था वो आपको मिलेंगे. सो ये इनका ग्राफिकल ट्रीटमेंट है. नेक्स्ट है एनालिटिकल ट्रीटमेंट, वो आपका मैथमेटिकल होता है कि मैथमेटिकल हम इस चीज को प्रूव करें. तो सपोज वाई वन आपका ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, वाई टू आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, डायरेक्शन अपोजिट के लिए. वो जब सुपर इम्पोज होंगे तो मैंने डायरेक्ट रिजल्टेंट दिखाया है आपका 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी. यहाँ पे ये जो आपका है ये आपका नया एम्पलीट्यूड है जिसको हम a डैश से लिख सकते हैं. जब दोनों वेव आपकी सुपर इम्पोज होंगी उस टाइम पे जो उनका एम्पलीट्यूड होगा, जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो ये जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम ये कंबाइंड के बाद वो आपका a डैश होगा जो मैंने आपको फर्दर यहाँ लिखा है. इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे एक एंटी नोड्स होते हैं और नोड्स होते हैं. नोड जो है आपको वो सपोज इस पर्टिकुलर केस के लिए लैम्डा बाई 4, 3λ/4, 5λ/4, सोन अप टू इस x डिस्टेंस के लिए मिलेंगे. अल्टरनेट आपको जो एंटी नोड्स है वो किस किस पोजीशन पे मिलेंगे, जब x इक्वल टू 0 है λ/2, λ, 3λ/2, सोन अप टू इन पॉइंट्स पे आपको मिलेंगे एंटी नोड्स. लास्ट में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SW, स्टेशनरी वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. सो नंबर वन तो कैरेक्टरिस्टिक जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, एक फिक्स बाउंड्री के अंदर ही आपकी ये वेव जनरेट होती है. अगर फिक्स में जनरेट होगी तो एनर्जी का जो ट्रांसफर है, जैसे सपोज मैंने आपका यहां बनाया ये एक स्टैंडिंग वेव है, तो सपोज ये इसकी बाउंड्री है, तो जो एनर्जी है आपकी वो विद इन जो आपका लूप है उसी के अंदर फिक्स रहेगी, वो आपके ट्रेवल नहीं करेगी. नंबर टू, जो नोड्स हैं आपके वो परमानेंटली रेस्ट पे हैं, एम्पलीट्यूड 0 है, वहां पे कोई भी पार्टिकल आपका मूव नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा. ये जो पॉइंट है आपके, ये मैक्सिमम जो है ये आपके एंटी नोड्स होते हैं. एंटी नोड्स पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होता है. नोड्स को छोड़ के पार्टिकल कहीं पे भी है आपकी पूरी वेव के अंदर तो वो अपनी मेन पोजिशन में SHM को ऑब्टेन करेगा, वो मूव करेगा मेन पोजिशन के टू एंड फ्रो. नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये बोल सकते हो कि दो नोड के बीच में सक्सेसिव या दो एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 2 का आपका डिफरेंस होता है. साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर ट्वाइस आपकी जो एनर्जी है वो एक बार फुल्ली पोटेंशियल होगी दो बारी या फुल्ली आपकी काइनेटिक होगी. तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक का मेन पार्ट है. तो ये आपका था स्टेशनरी वेव जो कंप्लीट सपोज आपका 3 मार्क्स में आता है तो आप जो मैंने अभी आपको बताया है आप कितना लिख के आएंगे, 5 में अगर आता है तो ये जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है इसको थोड़ा बढ़ा देना. ये जो मैंने आपको वर्बली डिक्टेट किया है ये आपको वर्डिंग्स में लिखना है, क्योंकि ये अगर मैं आपको लिखवाने लगी या बोर्ड पे मैं लिखने लगी तो काफी टाइम हो जाएगा. तो जितना मैंने आपको डिक्टेट किया है प्यारे बच्चों, वो बुक में आपको बुकिश लैंग्वेज एज इट इज आप उनको समझना और फिर अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आना. सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव वेव. एक स्टेशनरी में और प्रोग्रेसिव में क्या डिफरेंस है. सो वो जो मैंने अभी अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक में बात बताई है वो सारे पॉइंट आप लिख के आ सकते हो स्टेशनरी वेव के अंदर, लेकिन उसके अपोजिट में प्रोग्रेसिव में क्या लिख के आओगे वो डिस्कस करते हैं. सो वेट अ मिनट. यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव. तो मैं आपको पॉइंट्स के फॉर्म में ये डिस्कस करना चाहती हूं. नंबर वन, प्रोग्रेसिव वेव जो होती है वो जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो वेव वेलोसिटी से, एक मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करते हैं, आगे आगे चलते हैं. लेकिन क्योंकि नाम स्टेशनरी है, रेस्ट पे, तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रीजन के अंदर ही ये वेव आपकी रह जाती है, मूव नहीं करती. अब अगर इसके सेकेंड पॉइंट की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बोला कि ये मूव करते हैं,
मूव करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी सारे पार्टिकल की, एक वेलोसिटी होगी। लेकिन यहां पे नोड्स के ऊपर जो आपकी वेलोसिटी है वो जीरो, और बाकी जो जितनी भी और बाकी पोजीशंस हैं वहां पे जो वेलोसिटी है वो आपकी चेंज होती है। अगर बात की जाए एम्पलीट्यूड की, तो यहां पे एम्पलीट्यूड सारे पार्टिकल्स का सेम होता है, लेकिन स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड नोड पे जीरो होता है, एंटी नोड पे मैक्सिमम, और बाकी फिर अलग अलग पोजिशन पे वो वेरी करता है। अगर एनर्जी की बात की जाए फोर्थ पॉइंट में, तो इसके अंदर जो एनर्जी वो आगे आगे ट्रांसफर होती है, लेकिन जैसे कि बात की थी अभी करेक्टरिस्टिक में, इसकी एनर्जी पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड रहती है, बाउंडेड रहती है, वो आगे ट्रेवल नहीं करती है। बात कीजिए फेज की, तो इसमें सारे के सारे सेम फेज में होते हैं, लेकिन यहां पे आप देखें यहां पे पार्टिकल्स का फेज क्या होता है, डिफर होता है, राइट। सो ये कुछ पॉइंट है जो आपको प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव को आपस में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ऐसे अगर एनर्जी की बात की जाए तो इसके अंदर जो एनर्जी है एवरेज एनर्जी, वो आपकी हाफ तो काइनेटिक होती है और हाफ आपकी होती है पोटेंशियल, राइट, जो उसका सम है। लेकिन यहां पे एक कंप्लीट साइकिल में जो एनर्जी है आपकी वो टू टाइम या तो कंप्लीटली पोटेंशियल होगी या कंप्लीटली क्या होगी, काइनेटिक होगी। ये इसके एक डिफरेंस के अंदर है। सो ये कुछ डिफरेंस थे जो आपको दोनों जो ये वेव्स हैं उसके बारे में सेपरेट आपको बातें बताते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड अगर फिक्स्ड है तो कैसे वो मूव करती है, कैसे ट्रेवल करती है वो देखते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। सपोज अपने पास एक स्ट्रिंग है जो दोनों एंड से आपकी फिक्स्ड है, बाउंडेड है, सो उसको डिस्कस करते हैं उसके मैथमेटिकल पार्ट को। तो सपोज ये दो एंड है, इनके बीच में ये कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, ये फिक्स्ड है, राइट। तो पहले केस में सपोज आपका एक ही लूप बनता है, सो ये दोनों पॉइंट आपके नोड्स हैं, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो एंटी नोड है। फिर सेकेंड मान लो सपोज आपके मूव करने से दो लूप बनते हैं, फिर तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, सो अप टू एन लूप, या हम बोल सकते हैं P लूप लेके चलेंगे लास्ट में। सपोज P नंबर ऑफ सेगमेंट्स, इन इंडिविजुअल को हम सेगमेंट बोल सकते हैं, लूप्स बोल सकते हैं। सो आप यहां देखें नंबर वन, अगर आपको ध्यान है प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस इन द सेंस आज की जो क्लास है, आज की क्लास से पहले की क्लास में हमने वेलोसिटी निकाली थी यही चैप्टर में, सेम ऑसिलेशन वेव वाले में, V इक्वल टू अंडर द रूट टी बाई एम, एक स्ट्रिंग के केस में निकाली थी हमने वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड की, कैसे आपका वो मूव करेगा। तो यहाँ पे जो T है वो टेंशन है, M आपका मास पर यूनिट लेंथ है, V आपकी स्पीड है जो वेव आपकी ट्रेवल करेगी, L है टोटल लेंथ। सो अभी डिस्कस करते हैं नंबर वन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, कि फर्स्ट मोड में फर्स्ट लूप के अंदर अगर वो वाइब्रेट करेगा तो उस टाइम पे जो लेंथ है उसको हम लिख सकते हैं L1 by 2। अब मैंने ये कैसे लिखा, सो करैक्टरिस्टिक के अंदर मैंने डिस्कस किया था दो नोड के बीच के, दो सक्सेसिव नोड के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा बाई टू बोलते हैं। सो इसीलिए मैंने, क्योंकि फर्स्ट है तो मैंने लैम्डा वन से नाम दिया अपॉन में टू, यहां से मैं लैम्डा वन की वैल्यू को टू एल निकाल सकती हूं। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। सो फिर से वेलोसिटी अपॉन में, क्योंकि फर्स्ट लैम्डा वन था तो मैंने लैम्डा वन दिया, यहां से टू एल इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो अपने पास एक रिलेशन आएगा 1 अपॉन 2 एल अंडर द रूट टी बाय एम, ये फ्रीक्वेंसी है। इसको एक अलग से हम न्यू सिंबल अगर दे दें तो ये जो आई है फ्रीक्वेंसी, इसको बोला जाता है फंडामेंटल नोड और फर्स्ट हार्मोनिक, ये स्पेशल चीज है, आप इसको प्लीज इसके नाम को लर्न करना। नेक्स्ट आपका है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड में आपके टू लूप या टू सेगमेंट्स बनेंगे, तो जस्ट आपको क्या करना है, लेंथ के जो कंप्लीट लेंथ है वो टू हाफ में डिवाइड है, तो टू इंटू लैम्डा बाई टू इंटू टू, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं जितने फर्स्ट टाइम है तो उसे डबल आपका ये फिनोमिना होगा। तो यहां से लैम्डा टू की वैल्यू आप निकाली, फ्रीक्वेंसी के अंदर पुट की, तो अब की बारी आपके पास आंसर आया ट्वाइस ऑफ न्यू, डबल। सो इसका स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जो टोन थी उसको रिपीट किया तो ओवर हो गई, फर्स्ट ओवरटोन। साथ ही सेकेंड हार्मोनिक, अगर ये फर्स्ट हार्मोनिक था तो अपने आप ये कौन सा, सेकेंड हार्मोनिक है।
नेक्स्ट ऐसे ही सेम अगर आपके तीन लूप बनेंगे तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो यहाँ आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो 3 टाइम न्यू आएगी। तो इसका मतलब इसका हमने एक बार रो रिपीट किया तो ये फर्स्ट था तो ये सेकंड हार्मोन था तो ये थर्ड हार्मोन। तो ओवरटोन और हार्मोनिक रिलेशन चलेगा आगे पीछे का। यहां देखिए अगर ये सेकंड है तो ये थर्ड है ना, तो एक डिफरेंस एक का डिफरेंस चल रहा है। ये मैंने लास्ट में एनथ लिखा है बेटा, एनथ मतलब एनथ को एनल लेके हमने पीएथ सेगमेंट माने हैं। कैसे? इसमें अगर आपका वन सेगमेंट था, इसमें टू, इसमें थ्री, लास्ट वाले में अगर आपके पी सेगमेंट बनते हैं तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो फॉर्मूला को समराइज करके एनथ के फॉर्म में यहां लिखा गया है। सो पी सेगमेंट है, ए की फ्रीक्वेंसी न्यू है फर्स्ट वाले की, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा। राइट, यस, आप अगर सोच के देखना अगर मैं इसका नाम दू तो मैं इसको क्या बोलूंगी। यस, तब यहां देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हार्मोन तो पीएथ बोलेंगे, पीएथ हार्मोन। लेकिन अगर ओवरटोन की बात आए तो पी माइनस वनथ आपकी ओवरटोन होगी, इससे एक पहले वाले। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था इसका कुछ मैथमेटिकल पार्ट, लेकिन इसके अलावा भी एक इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी कई बार एग्जाम में आता है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, जो अभी हमने टॉपिक किया है वो था जनरल रिव्यू। अगर सेम टॉपिक का एग्जाम में आता है कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट करके दिखाएं, टॉपिक आपका सेम रहेगा तो आपको कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा उसमें ऐड करने पड़ेंगे, रिजल्ट सेम रहेगा तो उसको डिस्कस करते हैं। सपोज अपने पास जो दो वेव थी उनके डिस्प्लेसमेंट को हमने कैसे लिखा, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, y2 को हमने भी नेगेटिव साइन एम्पलीट्यूड का लिया है माइनस a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आफ्टर एडिशन मैंने कुछ कॉमन लिया है, थोड़ा ध्यान दे, मैंने माइनस a कॉमन लेके डायरेक्ट इसको ऐसे लिखा है। ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे का रीजन है प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का। यस, अब ये देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में होता है। तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो बायो के होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो थोड़ा इजी बनाती हूँ, आप भी प्लीज ये फॉर्मूला लर्न करना, ठीक है। इस फॉर्मूला में पहले ए प्लस बी आता है फिर बाद में ए माइनस बी आता है। अगर आप इनको डायरेक्ट ऐड करते तो आप बोलोगे मैडम पहले तो यहाँ पे नेगेटिव वाली है, आपने तो पॉजिटिव वाली लिखा, तो उसके लिखने का रीजन ही यही है प्यारे बच्चों, ताकि मैं इस और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं और आपको फॉर्मूला पुट करना सिखाऊं। तो फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या लर्न करना है कि आपको ये जो भी कुछ आप जब इसको ऐड करते हैं तो आपको इसकी फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अब हमने फॉर्म में बना लिया, अब नेक्स्ट इस पूरी टर्म को क्या लिखे, माइनस ए वो तो था बाहर, टू एज इट इज कोस के साथ आएगा जो ए होगा। अब व्हाट इज ए इन दिस एक्सप्रेशन, ए क्या है, तो ए आपके पास है ओमेगा टी, तो आप यहां पे चेक करें कोस के साथ हमने ओमेगा टी लिखा। ऐसे फॉर्मूला में साइन के साथ बी है और बी क्या है, बी हमारे पास है के एक्स, सो वो हमने इसके साथ में के एक्स लिखा। राइट, सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट में इस टाइप से आपको करके दिखाना होता है। नेक्स्ट, जैसे हम बार बार आपको बोलते आ रहे हैं कि स्टेशनरी वेव आर फॉर्म्ड एट एंड्स पे, जो एंड है आपका x इक्वल टू जीरो और जो टोटल लेंथ l है, इन दोनों पॉइंट्स पे आपको नोड्स मिलेगा। सो कोई भी टाइम है l इक्वल टू जीरो और y के लिए जो y डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपका जो रिजल्टेंट आया है ये आपका जीरो आएगा, ये आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये क्या लिखा है, ये वही है जो अभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इसमें आपका 1, 2, 3 यहाँ पे n की बजाय हमने वहां पे p लिया था, तो इस केस में जब n 1 पुट करोगे तो आपके पास ये आएगा। इसका नाम क्या था अगर आपको ध्यान है, सो इसका नाम था फंडामेंटल जो आपका नोड था। राइट, ये वाला जो आपका था इसका नाम क्या था, ये ओवरटोन और जो हार्मोनिक हमने पढ़ी है, तो हार्मोनिक तो सेकंड हो जाएगा लेकिन ओवरटोन आपका फर्स्ट होगा। इसका नाम क्या होगा, सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोन। सो इस टाइप से सोन अप टू आप ये फ्रिक्वेंसी वाला भी इसमें लिख के आएंगे। नेक्स्ट क्या है, किन पॉइंट्स पे आपको नोड मिलेगा और किन पॉइंट्स पे आपको एंटी नोड मिलेगा, ये भी आपको मेंशन करके आना है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, सो डियर स्टूडेंट जो भी मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया था जो मैंने रफ कर दिया, जिसमें मान लो एक टोटल कंप्लीट एल लेंथ में एक आपका लूप बनता है, फिर आपके सपोज दो बनते हैं, फिर तीन बनते हैं, सो उनके हाफ पे जीरो से लेके टोटल एल लेंथ के बीच में नंबर ऑफ आपके जो लूप होंगे उसके अंदर आपके कितने नोड है, कितने एंटी नोड है, ये वो पोजिशन होती है। आपको मैं एक वेरीफाई करके दिखाती हूँ। सपोज हम एन की वैल्यू को 1 लेते हैं,
राइट। सो आप एन की वैल्यू को यहाँ पे वन ले, तो ये जो पोजीशन है एक्स है पोजीशन नोड्स की, तो जीरो पे तो आपको मिलेगा ही, अगर यहाँ पे वन पुट करते हो तो एल पोजीशन पे भी आपको नोड मिल रहा है। यहां चेक करें, अगर मैं एन की वैल्यू को वन पुट करती हूँ तो एक्स क्या आता है एल बाई टू, इसका मतलब मिड में, अगर आपको पूरे जो आपका बाउंड्री है उसके बीच में एक ही लूप है तो आपको एंटी नोड कहाँ मिलता है, आपको एल बाई टू पोजिशन पे हाफ लूप के हाफ पोजिशन पे नहीं मिलेगा आपको एंटी नोड। तो इस टाइप से आप यहाँ पे एन की वैल्यू को पुट करके जो भी आपका मोड है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं बेटा कि कितने नोड बनते हैं, कितने आपके एंटी नोड बनते हैं। लास्ट में ये आपकी है फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, वन अपॉन टू एल फंडामेंटल मतलब जो एन की वैल्यू वन है टी बाई एम। तो इसमें एक अलग से भी टॉपिक आ सकता है वन टू मार्क्स में, लॉज ऑफ ये जो आपका है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसके। सो लास्ट के अंदर क्या है आपका, जैसे लॉ ऑफ टेंशन आ सकता है, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ लेंथ, राइट, इस टाइप से लॉ ऑफ डायमीटर, लॉ ऑफ डेंसिटी। सो वहां पे आपको ये दिखाना है कि जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो आप यहां देखिए लॉ ऑफ लेंथ में आप क्या लिखेंगे, जब आपकी टेंशन और मास आपका मास कूलेंट लेंथ कांस्टेंट है सपोज इस टाइप से, तो आपकी लेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का मास के साथ इनवर्स का रिलेशन है। दो ऐसे रिलेशन जो आपको डायग्राम मतलब आपको इस फॉर्मूला के अंदर नहीं मिल रही, एक तो डायमीटर का जो स्ट्रिंग है उसका डायमीटर, एक स्ट्रिंग की डेंसिटी, तो वो दो भी ला है मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ। फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा जी डायमीटर के, ठीक है, और अगर मैं बात करूं डेंसिटी की तो यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पर अंडर द रूट रो। ये हमें पेपर पे ड्राइव करना नहीं आएगा, ये आपको कोई न्यूमेरिकल में एमसीक्यूज में आपके किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है बेटा आपका इससे रिलेटेड। सो प्लीज आप इसको भी पढ़ना जो लॉज है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। सो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक नंबर फोर तक का क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगी बेटा। नेक्स्ट आपके लिए टॉपिक नंबर फिफ्थ, स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में दो केस बनेंगे बेटा, एक तो आपकी ओपन ऑर्गन पाइप होती है, एक आपकी क्लोज ऑर्गन पाइप होती है। सो उसको डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप और एयर कॉलम, मीन्स आपके पास जो ये वेव्स है ये ऑर्गन पाइप के अंदर प्रोड्यूस होती। व्हाट आर ऑर्गन पाइप्स? सो थोड़ा सा आपके लिए सिंपल बनाते हैं, आपने कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे जैसे फ्लूट, राइट, आपकी कोई बांसुरी जैसे, तो वहां पे क्या होता है जब हम म्यूजिक प्ले करते हैं, मीन्स आप किसी बांसुरी को जब भी आपने कभी प्ले करके देखा है तो उसके अंदर साउंड क्रिएट होती है। सो उसी बेसिस पे जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो टू टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं ओपन और कुछ होते हैं क्लोज। अब ओपन ऑर्गन और क्लोज ऑर्गन पाइप ये क्या डिफरेंस है? ओपन उसको बोला जाता है जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के दोनों एंड आपके ओपन हैं, जैसे बांसुरी में आपके होते हैं उसमें दोनों एंड आपके ओपन होते हैं, बीच में आपके होल्स होते हैं जिन पे आप उंगली रख के कम ज्यादा करके उनको आगे पीछे करके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को क्रिएट करते हैं, म्यूजिकल जो सॉन्ग्स हैं उनको आप उसके ऊपर बजा सकते हैं। लेकिन अगर सपोज दोनों एंड में से एक एंड आपका क्लोज है, आपने कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जो आपने मैरिजेस में जैसे बजाते हैं, वो कोई भी फंक्शन होता तब भी बजाते हैं, माउथ में लेके माउथ पाइप होती है उसमें आप लेके उसको साउंड को करते हैं कंप्लीट को माउथ में लेते हैं, मीन्स वो एक टाइप से क्लोज हो जाता है और दूसरे एंड से आपकी साउंड बाहर जाती है वो ओपन होता है, राइट। तो इस टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें साउंड कैसे आपकी बनती है, सो आपके अकॉर्डिंग कौन से वाली पाइप में ज्यादा रिच साउंड की आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक आपको सुनेगा, जो ओपन होगी या क्लोज होगी, सो उसका हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि दोनों के अंदर जो साउंड है वो किसमें ज्यादा अच्छी आपको सुनाई देगी। लेकिन वो सारा मैं आपको बताऊंगी ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, कौन कौन सा, नंबर वन ओपन ऑर्गन पाइप और नंबर टू क्लोज ऑर्गन पाइप। मैथमेटिकल मैंने आपको बोला है तो मैं वैसा ही आपको प्रूफ दूंगी। सपोज पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं ओपन का, तो एक अपने पास पाइप है जो दोनों एंड जिसके ओपन है, तो आप चेक करें दोनों एंड पे आपका एंटी नोड बन रहा है, सेंटर में आपका नोड बनेगा, तो उसी बेसिस पे मैंने दो तीन एग्जाम्पल लिए हैं। सपोज आपका एक लूप बने, दो लूप बने, तीन लूप बने, अब आप बोलेंगे मैम इसमें एक लूप कैसे है? सो आप अगर ध्यान से देखें यहां से लेके ये हाफ है, सो यहां से लेके ये हाफ, अगर मैं कंबाइन करूं तो ये एक लूप बनेगा, राइट। ऐसे अगर आप इसमें देखें ये बीच वाला तो कंप्लीट है,
लेकिन ये जो ना आपके हाफ हाफ है, अगर इनको ज्वाइन करें तो दो बनेंगे, राइट। तो ऐसा इसके अंदर होता है। सो लेट अस स्टार्ट। मैंने इसमें एनालिटिकल पार्ट को भी मिक्स कर दिया है ताकि आपका समअप हो जाए, छोटा आपका टोकन बन जाए। तो सपोज ये दो ही हमने वेव ली है जो आपस में जनरेट होके कोई साउंड क्रिएट करेगी, कुछ रिजल्टेंट हमें मिलेगा। तो जो फर्स्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट है y1 is equal to a sin omega t minus kx। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया है ताकि अपनी कंडीशन फुलफिल हो। दोनों को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से एड किया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया। आफ्टर दैट ये जो आपका है ये हमने क्या लिख दिया है, एम्पलीट्यूड लिख दिया। अब बात आएगी सिर्फ इस एम्पलीट्यूड की। सो एम्पलीट्यूड हमें इस टाइप से कैसे मिलेगा कि अपने ओपन एंड पे आपको एंटीनोड मिले। सो उसके लिए कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखो 2a कांस्टेंट है, फ्लक्चुएट कौन करेगा, कॉस वाला फैक्टर, तो हमें इसको भी कांस्टेंट करना है। मिस आपने अगर मैथ्स में थोड़ा सा लर्न किया हो, सो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव 1 ही आपकी पॉसिबल है, मैक्सिमम प्लस 1, मिनिमम माइनस 1, उसके बीच में आपका कॉस क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, ऑसिलेट करता है। सो वो आपका प्लस माइनस 1 कब होगा, एन पाई पे, राइट। सो अब यहां पे देखो, अगर के की वैल्यू को 2π/λ यहां से अगर आप पुट करते हैं, लैम्डा को आप एनथ के लिए मानते हैं, सो लैम्डा एन आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो 2L/N आएगा। अब फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। अब वेलोसिटी कौन सी, तो इसके लिए भी अगर आपको ध्यान है हमने पूरा डेरिवेशन किया था, न्यूटन का जो करेक्शन वाला फॉर्मूला था साउंड वाला, गामा पी बाय रो, गामा प्रेशर अपॉन में डेंसिटी, ये तो अपनी हो गई वेलोसिटी की वैल्यू, और लैम्डा एन जो अभी अभी निकाला है 2L/N ये हमने यहां पे पुट किया। सो ये अपने पास है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो अब इसके अंदर हम जब एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन और ओवरटोन हमें मिलेंगे। सो नंबर 1, जब एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस जनरल फ्रीक्वेंसी में, तो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है जिसको आप फर्स्ट ओवरटोन भी, सॉरी नॉट फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक आप बोलते हैं, राइट। तो दोनों में इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो या फर्स्ट हार्मोनिक बोलो, ये वाला, इसको हमने न्यू सिंपल दे दिया। जब इस वाले एक्सप्रेशन में एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोन आएगा, जो अभी अभी हमने एक टॉपिक इससे पहले किया है उसमें हमने सीखा है। जब एन की वैल्यू को 3 पुट करोगे इस जनरल वाले टर्म में, तो आपके पास सेकेंड ओवरटोन आएगा और थर्ड हार्मोनिक आपको ये वेव आपको मिलेगी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने दो चीज देखी है, दो चीज ऑब्जर्व करनी है। नंबर 1, ओपन ऑर्गन में जो आपके एंड है वहां पे आपको एंटीनोड मिलेगा। सेकेंड थिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे आप एन की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को चेक करो, न्यू, ये इसको आप 1 न्यू भी बोल सकते हो, 2 न्यू, 3 न्यू, 3 न्यू, मीन्स आपको सारे के सारे आपको फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। लेकिन जब अब हमें अब नेक्स्ट में क्लोज ऑर्गन पाइप देखेंगे तो इसमें इसका अपोजिट होगा, सो उसको भी ट्राई करते हैं। वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोज ऑर्गन पाइप। सो मैंने आपके लिए बोर्ड पे बिल्कुल सेम एज इट इज उसी पैटर्न पे लिखा है जैसे कि मैंने ओपन ऑर्गन के लिए लिखा था, ताकि आप दोनों को कंपेयर करके जल्दी से चीज को कर पाए। नंबर 1 जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों, पहले वाले केस में दोनों आपके एंड ओपन थे, इसमें एक एंड आपका क्लोज है, राइट। क्लोज वाले एंड पे आपका नोड बनेगा, क्योंकि जो वेव आपकी जाएगी वो जब सरफेस से स्ट्राइक करके बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी तो वहां पे दोनों ओवरलैप होके नोड बनाएंगे, लेकिन ओपन पे यहाँ पे भी एंटी नोड है, राइट। और जो सेकेंड डिफरेंस है वो आप देखें, जैसे हमने y1 और y2 को यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, क्योंकि अब की बार हमें अपोजिट लेना है उस केस के लिए, सुपर पोजिशन से एड किया, सिंप्लीफाई किया, आपका ट्रिग्नोमेट्री का ला लगा के, तो जो रिजल्टेंट है अब की बार अपने पास आएगा उसमें आएगा 2a sin kx। पिछले वाले में आपके पास cos था अगर आपको ध्यान है, और cos omega t, इसका मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है इसके अंदर 2a कांस्टेंट है, sin kx ये कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू जैसे cos की फ्लक्चुएट करती है, sin की भी प्लस और माइनस के बीच में आपकी फ्लक्चुएट करेगी। सो यहां पे प्लस माइनस 1 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में साइन की वैल्यू कब कब प्लस माइनस 1 होगी, उसके लिए एनथ होगा 2n-1π/2, ये आपको स्टेप लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सो सिंपल, अब k की वैल्यू 2π/λ पुट करें, एनथ क्योंकि जनरल टर्म लिखनी है इसलिए मैंने n लिखा है लैम्डा के साथ, यहाँ पे आपका पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा n को आप एक साइड लेके जाओ, बाकी साइड टर्म को सेकेंड साइड, सो यू गेट द nth वेवलेंथ, राइट। एनथ के लिए 4L/2n-1 आपके पास आएगा।
जब फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा, वेलोसिटी आपके पास अंडर द रूट गामा पी बाय रो ये सेम रहेगी, लेकिन जो वेवलेंथ है वो चेंज है तो वो हमें पुट करनी पड़ेगी। सो ये हमारे पास जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अब इसके अंदर वो आपका डिपेंड करेगा कौन से वाला चाहते हो हार्मोन। अगर एन की वैल्यू 1 पुट करना चाहते हो, एन की जगह 1 पुट करोगे तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपको न्यू पुट करना है, और वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट आपका हार्मोनिक। जो एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, यस ये इंपॉर्टेंट है, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 टाइम आएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 5 टाइम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स जो आपका सेकेंड और आपका जो फोर्थ हार्मोन है वो मिसिंग है। किस केस में? आपकी क्लोज ऑर्गन पाइप में। सो इसका मतलब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में, कि दोनों दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका क्लोज ऑर्गन है एक आपका ओपन ऑर्गन है, सो दोनों में साउंड जो आपको है ज्यादा अच्छी किस में सुनाई देगी, तो वो आपकी सुनाई देगी प्यारे बच्चों ओपन वाले में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आपका यहां से है, क्योंकि उसमें सारे हार्मोन प्रेजेंट है तो जो साउंड की क्वालिटी होगी वो काफी रिच होगी। लेकिन इस वाले पार्ट में क्योंकि कुछ आपके हार्मोन मिसिंग है, सो उसकी वजह से साउंड तो यहाँ पे भी आएगी, अच्छी आएगी, लेकिन अगर कंपैरिजन करें दो इंस्ट्रूमेंट्स का तो ओपन ऑर्गन के कंपैरिजन में इसमें साउंड की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन आपके मिसिंग है, ये रीजन है। ओके, लास्ट टॉपिक है अपना बीट्स का, उसके बाद उसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे और फिर आज की क्लास अपनी ओवर होगी। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज बीट्स। व्हाट इज बीट्स? ये कब प्रोड्यूस होता है? जब आपकी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है सेम पाथ के ऊपर सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, तो उनकी जो साउंड की इंटेंसिटी उसमें पीरियोडिकली चेंज आता है, राइज एंड अप एंड डाउन आता है, राइज एंड फॉल आता है, उसको बोलते हैं बीट। मीन्स जो आपका डिफरेंस है वो न्यू वन माइनस न्यू टू की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनमें स्लाइटली से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में तो एक राइज और फॉल, एक राइज और एक फॉल कंप्लीट को मिला के वन बीट बनती है, और नंबर ऑफ बीट कंप्लीट इन वन सेकेंड वो बी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट करें अगर इसका, तो सपोज वाई वन जो पहली जो आपके पास बीट है आपने उसकी वैल्यू को लिखा किस फॉर्म में? ए साइन ओमेगा वन इंटू टी, ओमेगा वन को आपने 2 पाई न्यू वन की फॉर्म में लिखा। ऐसे न्यू टू में आपने सिर्फ चेंज करने के लिए फ्रीक्वेंसी में न्यू टू लिखा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दोनों को ऐड किया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। इस रिलेशन में ये जो आपके पास माइनस वाला न्यू वन माइनस न्यू टू बाई टू है, इसलिए आपने फ्रीक्वेंसी मोड की फॉर्म में आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें प्लस का साइन है उसको आपने एवरेज फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखा। लेकिन अगर मैं बात करूं एम्पलीट्यूड आर की, जो रिजल्टेंट है इन दोनों को जब ऐड किया तो जो रिजल्टेंट आया है वो मैक्सिमम कब होगा? जब एक कंडीशन है कि कोस 2 पाई न्यू मोड इनटू टी, ये आपका मैक्सिमम हो, प्लस माइनस 1 हो, ये कंडीशन है। सो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, nth टर्म में n पाई के इक्वेट करेंगे, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। जब आप न्यू मोड की वैल्यू को पुट करोगे तो जो नीचे वाला 2 था वो ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आपको इस वाले एक्सप्रेशन से टाइम पीरियड निकालना है बीट का, दैट इज एन अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू। अब आप एन की वैल्यू 1 पुट करें, 2, 3, 4 सोन अप टू, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड आ जाएंगे सक्सेसिव बीट के बीच का। अब आप यहाँ पे देखें टाइम पीरियड फॉर 2 सक्सेसिव जो मिनिमम है वो 1 अपॉन मिनिमम, जो कम से कम टाइम है वो 1 अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू है, ये तो है टाइम। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालें इसकी, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड, तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज न्यू वन माइनस न्यू टू, दो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस। सो डियर स्टूडेंट, एक टाइप से बीट क्या है? साउंड का वैक्सिंग और वेरिंग करना, अप एंड डाउन, इसको बोलते हैं बीट। लेकिन ये जो सारा फिनोमिना है, ये जो म्यूजिकल साउंड में अप एंड जो धमक होती है, म्यूजिकल जो भी आपके सॉन्ग्स होते हैं ऑडियो में आपने कई बार नोट किया होगा, सो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा इसको और क्लियर करते हैं। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। सो इनको मैं डिटेल में आपको ना करवा के सिंपल ओवरव्यू इनका दे रही हूँ, अगर आपको डिटेल में करना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो इनके किसी पार्ट्स पे आपके लिए बना दूंगी।
सो आप यहां देखें, डिटरमिनेशन ऑफ एन अननोन फ्रीक्वेंसी। सपोज आपके पास दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, एक की फ्रीक्वेंसी आपको पता है और एक की आपको नहीं पता, तो आप बीट फिनोमिना से दूसरी जो आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी को भी निकाल सकते हैं। दो मेथड आपके होते हैं, एक लोडिंग का, एक फिलिंग का, उसके थ्रू आप ये जो अननोन फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज फॉर ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट ट्यूनिंग पे सेट करने के लिए भी हम बीट का यूज करते हैं। इवन प्रोड्यूसिंग कलरफुल इफेक्ट इन द म्यूजिक। कई बार ऑडियंस बड़े प्रेस करती है ऐसे म्यूजिक की जिसमें बहुत सारी धमक होती है, बहुत सारी बीट्स जनरेट होती है। नेक्स्ट है फोर डिटेक्शन ऑफ मार्स गैस इन द माइंड। मार्स मींस मीथेन गैस, सपोज अगर किसी माइंड में मिक्स है तब भी वहां पे बीट फिनोमेना से हम पहले ही एडवांस में अगर कोई एक्सप्लोजन होने वाला है तो उसे सेव कर सकते हैं वहां के वर्कर्स को। यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। लो फ्रिक्वेंसी का जब ऑसिलेटर जनरेट करना होता है तब भी हम बीट फिनोमेना की हेल्प लेते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी टॉपिक बीट की अपनी डे टू डे की लाइफ में। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच आपने वीडियो को यहां तक देखा। सो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये जितने भी टॉपिक है बेटा इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो मैं उस पार्ट पे आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपके उस डाउट को क्लियर करूंगी। सो थैंक्स अ लॉट, बाय बच्चों, टेक केयर।